जय जिनेन्द्र छापर के श्रद्धानी श्रावक स्वर्गीय पृथ्वीराज जी नाठा के निवास स्थल पर उनके पौत्र नरेंद्र जी नाठा से मिल रहे हैं। ये धर्म को समर्पित परिवार है। इनके पिताजी स्वर्गीय जुगराज जी नाठा जिन्हें छापर रत्न से सम्मानित किया गया, वह पूज्यवरों द्वारा उन्हें कल्याण मित्र से अलंकृत किया गया। इनकी माताजी लक्ष्मी देवी नाठा जिन्हें पूज्यवर द्वारा श्रद्धा की प्रतिमूर्ति से अलंकृत किया गया। इन्हें स्वयं को पूज्यवर द्वारा युवा गौरव से अलंकृत किया गया। ये गौरव संपूर्ण समाज के लिए गौरव की बात रही है। राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें भामाशाह से पुरस्कृत किया गया एवं 8% ये महासभा में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के प्रभारी हैं। 8% ये छापर आचार्य श्री महाश्रमण जी चातुर्मास व्यवस्था समिति के महामंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। यह परिवार संपूर्णतः धार्मिक व सामाजिक परिवार है। इनका अमूल्य योगदान छापर गांव को योगदान देता आ रहा है। ये छापर निवासी और विजयवाड़ा प्रवासी है। विजयवाड़ा में इनका धार्मिक व सामाजिक दोनों कार्यों के प्रति इनका अमूल्य योगदान रहता आ रहा है। इनकी जन्म स्थल छापर में अष्टम आचार्य कालूगणी की भी जन्मभूमि है। वहाँ पे 74 वर्ष बाद में आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास होने जा रहा है। 74 वर्ष बाद होने वाले चातुर्मास के प्रति आप संपूर्ण छापरवासी और प्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कितना उत्साह है आपको चातुर्मास को लेकर? क्या आप विचार देना चाहते हैं उन्हें चातुर्मास के प्रति? आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सभी देश विदेश में विराजित चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। छापरवासियों के लिए यह सौभाग्य का समय है कि गुरुवर ने हमें चातुर्मास फरमाया है। वह छापरवासियों के लिए, या यूं कहूँ हमारी जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का एक समय आया है। हम सबको मिलकर इस चातुर्मास को ऐसा ऐतिहासिक बनाना है जिससे युगों युगों तक धर्म संघ में इस चातुर्मास की गूंज रहे। व्यवस्थाओं की दृष्टि से काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है। सुचारू रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय व उनकी पूरी टीम पूरी लगन के साथ व्यवस्थाओं में लगी हुई है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि रास्ते की सेवा भी हमारी चालू हो गई है। वह छापरवासी जब तक मुझे ख्याल है ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी पदों पर पदासीन हैं या पदासीन रह चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैं यूँ कहूँ सब लोगों के पास है, या अब उस एक्सपीरियंस का यूज करने का या उस एक्सपीरियंस को हमें अपने छापर में इस तरह से यूज करके उस चतुर्मास को हम सफल बनाएं जिससे आने वाली पीढ़ी भी उन संस्कारों से अवगत रह सके। वह धर्म संघ का भी हम कुछ न कुछ अपना अवदान दे सके, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। इनका अपनी जन्मभूमि से अमूल्य योगदान धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों के प्रति रहता आ रहा है। आने वाले चातुर्मास में भी इनका अमूल्य योगदान रहेगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।